हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्राफ्ट एक्टिविटी में हैंड वॉश के स्लोगन के प्लाकार्ड बनाएंगे। इसके लिए हमें व्हाइट पेपर, अगर आपके पास व्हाइट पेपर ना हो और कलरफुल पेपर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। इसके साथ हम स्केच पेन, क्रेयॉन बॉक्स, स्केल, पेंसिल और कलरफुल सेलोटेप का यूज करेंगे। पहले हम पेंसिल और स्केल से बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पूरी लाइन ड्रॉ होने के बाद हम बॉर्डर को ड्रॉ करके डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने बॉर्डर में हाफ सर्कल ड्रॉ करके कंप्लीट कर दी है। अब हम यहाँ पे हैंड वॉशिंग डे का स्लोगन लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप इसमें कलर कर लेना। अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो आप इसकी प्रिंट निकाल के भी कलर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हैंड वॉश का स्लोगन पूरा लिख लिया है, क्लीन हैंड्स हैप्पी हैंड्स। आप कोई भी स्लोगन लिख सकते हो, जैसे कि क्लीन हैंड्स स्टॉप जर्म्स, ऐसे आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। अब हम इसके ऊपर ब्लैक मार्कर से बॉर्डर बना देंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की स्केच पेन से कलरफुल कलर करने के लिए बॉर्डर कर ली है। अब हम इसमें क्रेयॉन से कलर करेंगे। यहाँ पे मैं रेड कलर कर रही हूँ, आप कोई भी कलर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। कलर करने के टाइम पे कलर बाहर ना जाइए, इसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने कलर करके प्लाकार्ड रेडी कर दिया है, क्लीन हैंड्स हैप्पी हैंड। यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के प्लाकार्ड बना के रखे हैं। आप चाहे तो कोई भी स्लोगन लिख के बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सेलो टेप का यूज किया है। यहाँ पे मैंने कलर करके ड्रॉ करके बॉर्डर बनाए हैं। आप चाहे तो कोई भी बॉर्डर बना सकते हो और प्लाकार्ड बना के वॉशरूम के डोर पे या बेसिंग के ऊपर कहीं भी लगा सकते हो। और बच्चे जब ये एक्टिविटी करे तो पेरेंट्स उसकी फोटो और वीडियो बनाए और स्मॉल वंडर्स फेसबुक पेज पे पोस्ट करें और टैग भी करें। थैंक यू।